रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। तो आज चल रहा है ये जो व्लॉग मैंने बनाया है, ये बर्थडे का सरप्राइजिंग व्लॉग है। तो क्या हुआ कि मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा को कुछ सरप्राइज देते, तो ये सारा उन्हीं का सरप्राइज़ है, मुझे इसमें कुछ भी नहीं पता। तो बस मैं सिर्फ जो है इसमें वॉइस शामिल कर रही हूँ अपनी। तो क्या हुआ कि ये बेटी साहबा जो हैं, और उन्होंने अपने बाबा से कहा कि मम्मा की बर्थडे करनी है, तो अब ये जा रहे थे गाड़ी में और अब पहुँच चुके हैं। तो ये इनके बाबा जान जो कि आगे आगे चल रहे थे मेरी बेटी के, और पीछे बेटी हैं। तो ये बर्थडे के लिए, इन्होंने हैप्पी बर्थडे के लिए ख़रीदा है ये, जिसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था स्टोर में पहुंचने के बाद। और ये अब मेरा ख्याल है कि ये और चीज़ें देख रही थी कि भाई क्या क्या मुझे लेना चाहिए। तो फाइनली जो है ये केक पे लगाने के लिए, हैप्पी बर्थडे के लिए उन्होंने कैंडल्स जो होती हैं बहुत प्यारी आई हुई, और ये फॉइल वाले जो बैलून्स होते हैं ना, ये फॉइल बलून्स लिए हैं, और जो इन्फ्लेट होते हैं वो वाले हैं ये। तो ये बिल हो गया, अब ये वापस आ रहे हैं घर की तरफ मेरी शहजादी बेटी और हस्बैंड। ये मॉल से निकल चुके हैं, ग्रॉसरी स्टोर से, और ये बस अपनी जो है वो कार की तरफ आ गए हैं। तो सरप्राइजिंग गिफ्ट है ये मेरे लिए, और अब ये घर की तरफ रवा दवा हैं जी। तो ग्रॉसरी स्टोर ज़रा हमारे घर से दूर है, तो इस वजह से डिस्टेंस ज़्यादा था। तो ये बेटी जो मेरी बेटी शहजादी पहुंच चुकी हैं घर में, और अब ये सरप्राइज़ देखे ना देने के लिए, तो चुपके चुपके से ड्राइंग रूम में जाके ये बैठ गई। और फिर अब ये जो बलून्स लेके आए थे उनको जो है अब इन्फ्लेट कर रही हैं, उनमें हवा भर के, तो फिर वो लगाएंगी। तो काफ़ी टाइम लगता है, मतलब काफ़ी टाइम इसमें लग जाता है इसको इन्फ्लेट करने में। तो बस लगी हुई थी, बस मेरा तो कोई ऐसा जितना इरादा नहीं था बर्थडे का, बच्चों ने ही डिसाइड किया कि चलो मम्मा खुश हो जाएंगी, सरप्राइजिंग गिफ्ट देते हैं। तो मैं तो इस चीज़ के हक़ में नहीं होती कि भाई बर्थडे वगैरह की जाए या ये वो, तो बस बच्चों की खुशी होती है, बच्चों के लिए करना पड़ता है, तो उनकी खुशी के लिए भी करना पड़ता है। इंसान को बस अपनी खुशी नहीं देखनी होती, तो बच्चों की खुशियों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए अपने साथ। ज़ाहिर है जब एक फैमिली में सब रहते हैं तो सबकी खुशियाँ देखनी पड़ती हैं। तो ये देखें, ये केक था बहुत ही मज़ेदार केक, ये कोकोनट केक मंगवाया था बच्चों ने ही कहीं से, नाम मैं नहीं लूँगी उस ब्रांड का, तो जहाँ से मंगवाया है इन्होंने, तो बहुत ही अच्छा कोकोनट और बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर था। तो ये फिर बेटी ने जो इन्फ्लेट करे थे वो देखें हैप्पी बर्थडे के लगाए हैं, और ये कैंडल्स थी हैप्पी बर्थडे वाली। अब कितनी क्रिएशन हो चुकी है ज़माने में, देखें हमारे पहले इतनी नहीं होती थी, तो अब ऐसे इन्होंने ये बनाए हुए। तो फाइनली फिर मुझे कहा तैयार शहर का, बच्चों ने कहा हो जाओ, तो फिर मैं तैयार होके तो बैठ गई, और फिर इन्होंने मेरी हैप्पी बर्थडे मनाई। तो फिर मतलब अच्छी फीलिंग्स आई मुझे।